चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है 2 सेकेंड और हमें इससे लेंथ इंक्रीज 4 टाइम्स कर दिए, तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा उसे हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला हमें सबसे पहले याद है ऑलरेडी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट, दैट इज 2 इज गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, टी डैश इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने दो इक्वेशन सिंपल सिंपल याद कर लिया। बी केयरफुल कि ये टाइम पीरियड तभी लगता है जब एल इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ। आपको ऐसा सिंपल पेंडुलम नहीं बना देना है जिसका लेंथ यहां से लेके मार्स तक हो, मून तक हो। इतनी बड़ी सिंपल पेंडुलम नहीं बना देना जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, तो उस वक्त ये फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है। तो हम बेसिकली जो लेंथ है, टाइम पीरियड जब 2 सेकेंड दिया हुआ था, लेंथ एल को हमने 4 टाइम्स कर दिया, मतलब बहुत आसान सवाल है। तो एल डैश इज इक्वल टू 4L के बराबर हो गया, तो टी डैश इज इक्वल टू 2π 4L/g अंडर रूट, मतलब ये हुआ 2π अलग से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो L/g अंडर रूट, और ये फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लो। यहाँ जो दिया हुआ है उसको मैं अगर सेकंड में पुटअप कर दूंगा तो टी डैश इज इक्वल टू 2 times t, टाइम पीरियड जो है वो सीधे डबल हो जाएगा। पहले कितना था टाइम पीरियड, 2 multiplied by 2, दैट इज 4 सेकेंड हो जाएगा, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज डी ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़े हो थियरी में अच्छे से, तभी जाके इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो रिजोनेंस से रिलेटेड है। रिजोनेंस क्या होता है, जब ऑसिलेशन होती है, किस टाइप की ऑसिलेशन होती है बोलो, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको थियरी में बताया था कि अगर एक बच्चा है और वो झूला झूल रहा है, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स यहाँ पे उसको बार बार एक जैसे ही बच्चा उसके पेरेंट्स के पास आता है, पेरेंट्स एक फोर्स लगा के उसको ऑसिलेट कराते रहते हैं, और ऐसे ऑसिलेशंस को हम फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, ये बच्चा झूला झूल रहा है वैक्यूम में, एक बार अगर वो झूला झूला स्टार्ट कर दिया तो इनफाइनाइट टाइम तक उसका झूला झूलता चला जाएगा, ऐसे ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। वो ऑसिलेशन SSM होता है और उसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। अगर वही बच्चा एयर में झूला झूल रहा है तो कुछ टाइम बाद उसकी जो झूला है उसको रुक जाएगा, उसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन। लेकिन अगर बच्चा झूला झूला और बगल में पेरेंट्स खड़े हैं, उसको बार बार फोर्स लगा रहे हैं, एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं, जो ये वेरिएबल फोर्स है जो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, F=sin ωt, पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। और फोर्स ऑसिलेशन में 2 ऑसिलेशन हो गया, एक तो उस बच्चे का ऑसिलेशन हो गया, एक उस पेरेंट्स के एक उस पेरेंट्स जो फोर्स लगा रहा है उसका ऑसिलेशन हो गया। और फोर्स ऑसिलेशन में आपको बताऊं, इंजीनियरिंग में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, बहुत सारी चीज़ों में बहुत जगह ये यूज होता है। और एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है फोर्स ऑसिलेशन में जब इस बच्चे का एम्पलीट्यूड और इतना ज़्यादा हो जाता है, और उस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं रिजोनेंस। वो कब होता है, जब इस बच्चे की फ्रीक्वेंसी, इस बच्चे का ओमेगा इस पेरेंट्स के फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ऐसे कंडीशन को रिजोनेंस बोलते हैं। और रिजोनेंस में जब एम्पलीट्यूड हाई होता है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर आप इतनी सी बात जानते हो तो ये सवाल सॉल्व कर लोगे बस एक लाइन में। अब ये जो नहीं पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता यार। चलो, तो ओमेगा 1 पे देखो रिजोनेंस हो रहा है, और उस पे ओमेगा 2 पे क्या है भाई, एनर्जी मैक्सिमम है। और अब पहले से पता है कि रिजोनेंस पे एम्पलीट्यूड पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, मतलब ओमेगा 1 और आपस में ओमेगा 1 जितना होगा उतना ओमेगा 2 भी होगा। तो ओमेगा 1 अगर ओमेगा नॉट है तो ओमेगा 2 भी ओमेगा नॉट होगा। ये क्यों गलत है भाई, इसको देखो, इसमें ओमेगा 1 एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम है उस वक्त एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, और जब वो आपस में इक्वल नहीं है, जो कि गलत है। जब रिजोनेंस होता है और एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये।
चलो नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली आर स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एट द सेम टाइम। अब देखो हम लोग पास दो सिंपल पेंडुलम है, एक 5 मीटर है एक 20 मीटर है, और दे विल सेम फेज व्हेन द शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड। जो स्मॉल वाला पेंडुलम है वो दूसरे वाले के साथ सेम फेज में आएगा कब, जब कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर चुका होगा पेंडुलम ऑफ शॉर्टर लेंथ कंप्लीटेड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालना, आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होता है एक साइकिल में। देखो अगर पार्टिकल है कोई SHM कर रहा है, यहां से जाएगा, यहां रुकेगा, वापस आएगा, रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा। और इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2πL/g के फार्मूले से दिया जाता है भाई, क्लियर है। अब देखो यहां से दोनों सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो। लेंथ 5 मीटर है तो पहले वाले का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पहले वाले का टाइम पीरियड 2π और 5 और जी अंडर रूट इतना आ जाएगा। दूसरे वाले का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, लेंथ कितना है इसका देखो 20 मीटर, तो लेंथ अगर 20 मीटर है तो 2π 20 और जी अंडर रूट, और 20 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 और 2π और 5g और इतना इसको लिख सकते हैं, मतलब 2 times t dash, मतलब जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड पहले का 2 times होगा। इसका क्या मतलब होता है इसको अच्छे से हम समझते हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि दो सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वो t1, इसको मैं t मान लूँ, जिसका लेंथ 5 है, तो दूसरे वाले का टाइम पीरियड यहाँ से गए जाएगा, देखो फिर वापस आएगा, रुक नहीं पाएगा, इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, t2 = 2t है, मतलब तो दूसरे वाला का टाइम पीरियड है सीधा डबल है, जिसका लेंथ 20 है, मतलब ये स्लो चलेगा ये फास्ट चलेगा, इतनी तो बात क्लियर है। तो अब ये बात हमें निकालना है सेम फेज का क्या मतलब होता है। सेम फेज का मतलब होता है कि फेज डिफरेंस उनमें जीरो है भाई, फेज डिफरेंस जीरो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां से t = 0 से मोशन स्टार्ट हुआ, स्लो मोशन में समझने की कोशिश करो, t = 0 से मोशन स्टार्ट हुआ, तो यहां से जब ये आगे जाएगा उसी वक्त दूसरा वाला भी जिसका लेंथ 20 है t = 0 वो भी यहीं से स्टार्ट करेगा अपना मोशन। अब जब t = 0 पर दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करें उस वक्त दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, ये बात तो क्लियर है। अब ये इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, स्लो चलेगा और ये फास्ट चलेगा, तो ये स्लो ये यहां से जाएगा फिर वापस आएगा फिर एक बार आएगा तो एक टाइम पीरियड होगा, उतने टाइम में ये 2 चक्कर पूरा कर चुका होगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड टी है और इसका टाइम पीरियड 2t है। मतलब ये हुआ कि अगर ये एक चक्कर समझ लो 10 सेकंड में पूरा करता है तो ये एक चक्कर 5 सेकंड में पूरा करेगा, ठीक है, ये जो है एक चक्कर 5 सेकंड में पूरा करेगा। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन मतलब एक बार जाएगा वापस आएगा, तो ये जितने में 10 सेकंड में ये 10 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा और वही ये 10 सेकंड में 2 साइकिल पूरा कर चुका होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ ऑसर, हमारे पास एक मास है वर्टिकली स्प्रिंग से अटैच है, दिस इज द स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/k, मैं लिख सकता हूँ बोलो इतना, हम लोग रटे हुए हैं इसको, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πk/m अंडर रूट, ये चला जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें n ऑलरेडी मेंशन है, बराबर है। ये आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ एक अजम्पशन लिया जा रहा है, नेग्लिजिबल मास अगर नहीं बताता तभी भी मैं नेग्लिजिबल लेता, बिकॉज अगर मास कंसीडर करोगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, उसका ऑसिलेशन बदल जाएगा, टाइम पीरियड बदल जाएगा। अब अगर मैं मास 4 times कर दिया तो हमें कितना फ्रीक्वेंसी होगा, चलो तो अब m = 4m, फ्रीक्वेंसी f = 1/2π, दैट इज km लिख सकता हूँ ना, ए मास बदला m, फ्रीक्वेंसी भी मेरी बदल गई, तो 1/2π/k/4m बराबर, तो ये आ जाएगा n/2, लिख सकते हो बहुत आसानी से, ए ऑप्शन सही है, इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन करो, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय 2%, अगर एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ मैं 2% बढ़ाता हूं, ध्यान देना टाइम पीरियड कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो एक बच्चा है ये, देखो हम जब मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, एक है जो ट्रेडिशनल मेथड है जो 9th में हम पढ़ते थे, पहले निकालो बाद में निकालो फिर घटाओ, तो वो तो एक यूनिवर्सल फंड है, उसको तो हम कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन अगर परसेंटेज बहुत ही कम है, 2-5% के आसपास वेरिएशन होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं पूरे फिजिक्स में एरर वाला कॉन्सेप्ट से आप बहुत आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हो। तो अभी मैं कौन वाला यूज करूंगा बोलो, एरर का कॉन्सेप्ट जिसमें जो परसेंटेज है वो 2% है। तो आप एरर में पढ़ के आए होंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/Z, एक्चुअली इसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं। तो डेल्टा टी अपन टी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, देखो अब बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एल अंडर रूट को 1/2 डेल्टा एल अपन एल, डेल्टा एल अपन एल, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे परसेंटेज दे देगा। तो डेल्टा एल जो परसेंटेज है, अब देखो लेंथ इंक्रीज करोगे, लेंथ इंक्रीज का क्या मतलब होता है, डेल्टा एल अपन एल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2%, ये वैल्यू दी हुई है यार, तो इसको मैं ले जाके यहां रखूंगा, तो 1/2 एक बार इसको अच्छे से थोड़ा मैं आपको हिसाब सब लिख देता हूं। देखो तो ये पावर है एल की पावर है, तो 1/2 और डेल्टा एल अपन एल और मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी 2% है, तो 2 × 2 दैट इज 1%। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि जो टाइम पीरियड 1% अब बड़ा होगा कि घटा होगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब लेंथ क्या हुआ है बोलो, लेंथ इंक्रीज हुआ है 2%, तो टाइम पीरियड भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ होगा कितना, देखो यहाँ वैल्यू 1%, तो इंक्रीज बाई 1% दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही है, बराबर है। नेक्स्ट वीडियो पॉज करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। 2SHM है, अब यहां पर देखो पहले आजकल तो बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन पहले बहुत सारा क्वेश्चन द कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, एक टॉपिक है SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर वो बात आप पढ़े हो कि दो SHM को कंबाइंड करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस पाथ, ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में डिस्कशन हुआ होगा आपकी कोचिंग में या आपके सिलेबस में, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब अगर नहीं हुआ है तो फिर भी समझने की कोशिश करो, 2 SHM विद सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड व्हेन एक्टिंग टुगेदर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर मैं एक्स एक्सिस मान लिया और इधर मैं वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया, ये मेरा हो गया 0,0,0। अब फेज डिफरेंस ध्यान देना है π/2 है, अगर एक्स एक्सिस में कोई ऑसिलेशन हो रहा है तो उसका मैं इक्वेशन लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी, बराबर है, ध्यान देना। अब दूसरा जो SHM है वो उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसका मैं इक्वेशन लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है साइन ओमेगा टी, लेकिन इसमें और इसमें फेज का डिफरेंस है π/2 का, तो मैं π/2 एड कर देता हूं, ये आ गया। अब हमें निकालना है अगर इन दोनों SHM को कंबाइंड करते हैं तो वो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इलिप्टिकल होगा या सर्कुलर होगा। आपको पता होगा कि सिंगल SHM सिंगल हार्मोनिक मोशन का पाथ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन अगर इन दोनों को मैं SHM को कंबाइन करता हूं तो क्या पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फाई, फेज डिसाइड करेगा मेरे भाई। चलो तो कर लेते हैं इसको। अब पाथ निकालने का क्या मतलब है, पूरी फिजिक्स में पाथ निकालने का कंडीशन ये है हमारे सिलेबस में कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करना, मतलब एक्स को भी रिलेट करूंगा वाई को भी रिलेट करूंगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो ये साइन ओमेगा टी है तो ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं इसको, बोलो इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं स्क्वायर करके एड कर दूं
तो ये इलिमिनेट हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इलिमिनेट हो जाएगा और एक्स एंड वाई रिलेट हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़े हो गए ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू वन होती है यार। तो अब अच्छे से इसको अच्छे से बहुत अच्छे से देखो, कुछ याद आ रहा है ये, अगर नहीं याद आ रहा तो देखो मैं याद दिलाता हूं, ये जो इक्वेशन है मैथमेटिक्स में दैट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ये एक्स है ये वाई है, ये इसका सर्कल का सेंटर है जो ओरिजिन पर, जिसकी रेडियस ए है एम्पलीट्यूड ए, क्लियर है ना। तो सर्कुलर पाथ पे इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों SSM का जो कॉम्बिनेशन होगा पार्टिकल उसके बाद सर्कुलर पाथ पे चलेगा, बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको मैं बहुत अच्छी कैटेगरी में रखता हूँ। चलो पार्टिकल SSM कर रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजिशन से स्टार्ट करता है, देखो पार्टिकल वैसे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है पर यहाँ पर दिया गया मीन पोजिशन से, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, एट वन टाइम इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, क्या है कुछ स्पेशल पोजीशन पे जाके स्पीड मैक्सिमम की आधी हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब आपको पता होगा कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये यहां से जाएगा, समझना इसको, यहां से जाएगा इधर फिर रुक जाएगा फिर वापस आएगा, यहां रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा रुकेगा वापस आएगा, एंड इनफाइनाइट टाइम तक इसकी कहानी ऐसे चलती रहेगी, बराबर है। आपको पता होगा कि जो स्पीड होता है वो एक टाइम का भी फंक्शन होता है, पोजीशन का भी फंक्शन होता है, हर पॉइंट पे स्पीड वेरिएबल है, वेरी करती रहती है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के भी रिस्पेक्ट में चेंज होगी और पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी चेंज होगी। अभी कौन सा फार्मूला लगेगा, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अभी मैं मान लिया हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और यहां एक्स इज इक्वल टू जीरो है और ये एम्पलीट्यूड है, तो आप देखो इसी को डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एट वन टाइम स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है मीन पोजीशन पे, और ये एम्पलीट्यूड ए मान लेता हूं मैं, चलो एम्पलीट्यूड ए मान लेता हूं। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम स्पीड जब होती है जब ओरिजिन पे होती है एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब ये आ जाएगा ओमेगा ए, इट इज द मैक्सिमम स्पीड। अब कंडीशन लगाओ, जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट वन टाइम स्पीड हाफ है मैक्सिमम स्पीड की, मतलब ये हुआ स्पीड बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी मैक्स, बराबर है ये सारी चीज। अब डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, तो अब मेरे पास मिला हाफ और ये आ गया ओमेगा ए और यहां से आ गया ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको सॉल्व करने सबको आता होगा आई होप। देखो क्या कैलकुलेट करना है इसमें से, डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा ने ओमेगा को स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फटाफट कैलकुलेशन करो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस थ्री बाई फोर ए स्क्वायर अंडर रूट, मतलब प्लस माइनस ए बाई टू रूट थ्री, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स कि ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड भी होगा राइट साइड भी होगा, दो पर्टिकुलर ऐसे पोजीशन होंगे जहां पर स्पीड मैक्सिमम की आधी होगी, एक राइट साइड जाएगा एक लेफ्ट साइड जाएगा, दैट इंडिकेटेड बाय द साइन प्लस माइनस, तो ए रूट थ्री बाई टू है कोई ऑप्शन, चेक करो ए रूट थ्री बाई टू, डी ऑप्शन सही है। तो ये वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कहता है सिंपल पेंडुलम है जिसका बॉब M है और ऑसिलेट कर रहा है A टू C। अब A से C तक ऑसिलेशन हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है A से C तक ऑसिलेशन हो रहा है, एंड बैक टू A, A से C गया और C से A आएगा,
ग्रेविटी जी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट पासिस थ्रू द बी, बी एक क्या है मीन पोजीशन है यार, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है सिंपल, इसको मैं सिंपल ड्रा कर सकता हूँ, देखो ए यू में ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान सवाल है, देखो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर है मान लो, उधर से वापस आ रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मस्ट बी इक्वल टू ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी पॉइंट, इस पे मैं बी बोल देता हूँ, तो इन दोनों पे इक्वल होगा बेसिकली। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजिशन पे, यहाँ मैं ए मान लिया हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, ये हाइट h, ये हाइट सीधा वाला हाइट h बराबर है, एक्सट्रीम यहाँ पे मीन पोजीशन पे रेफरेंस पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो चली गई और काइनेटिक एनर्जी हाफ m, वेलोसिटी एक्चुअली मैक्सिमम होती है यहाँ पे, दैट इज अ स्क्वायर, तो m ने m को, तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो हमें फाइनली दिखेगा वो 2gh अंडर रूट ये वाली चीज आ जाएगी, दैट इज बी ऑप्शन सही है, बराबर है। हाँ देखो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या जा रहा है, जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे कि कह क्या रहा है तब तक तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सवाल कैसे कैलकुलेट करें जब तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो वो चीज़ तुम सॉल्व नहीं कर सकते, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टारगेट। सबसे पहले हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल का कितना पार्ट है, हम सबको पता काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है एक स्पेशल डिस्प्लेसमेंट पे, वो स्पेशल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बाई टू पे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं आसान सवाल की कैटेगरी में रखता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब ये इसको के मान लो, तो इसको मैंने के मान लिया, तो ये हाफ के और ये आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, इसको ऐसे रहने देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब टारगेट है मेरा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना, हाफ के एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट ऑलरेडी इसी के फॉर्मेट में है, डिवाइड कर दो पहले से दूसरे में डिवाइड कर दो, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ए टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ ए के, और इसमें से मैं थ्री ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर करता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये 2 ऊपर चला गया, के ए स्क्वायर इधर रह गया, ये सारा कट गया, तो ये 3 बाई 4, देखो बी ऑप्शन हम लोग का सही है, द फाइनल सॉल्यूशन इज बी। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो ए बॉडी है जिसका मास एम है, हैंग फ्रॉम ए स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग से हैंग है और ऑसिलेट करती है, जिसका टाइम पीरियड ऑलरेडी 2π मेंशन है, ए बॉल इज रिमूव द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग डिक्रीज, ऑब्वियसली देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से अगर मैं एक मास अटैच करके इसको ऑसिलेशन करा दूं, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि इस टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 2π, इसको देखो यहां से 2π एम अपन के, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम, ये वाली चीज। अब ये वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यार 2π, दिस इज ऑलरेडी 2π इक्वल है। अब द बॉल रिमूव, जो दूसरा कंडीशन है इस क्वेश्चन का, जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा बाद में, पहले फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व करो, तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो मास दिया हुआ 5 kg यार, तो यहां से मैं 4π² और यहां से 4π² और मास 5 और कांस्टेंट के, ये 4π ने 4π को काट दिया यार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 5 इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा, न्यूटन मीटर।
अब देखो यहां से अब मैं इस मास को हटाऊंगा, जैसे ही मैं इस मास को हटाऊंगा समझने की कोशिश करना, जैसे ही मास को हटाऊंगा तो स्प्रिंग ऊपर चली जाएगी, जितना लेंथ इंक्रीज हुआ था उतना लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि लेंथ कितना डिक्रीज होगा, तो लेंथ कितना डिक्रीज होगा बात मुझे कैसे पता चलेगा। अभी देखो लेंथ इंक्रीज कितना हुआ था, ये तो देख लो इस मास को लगाने से लेंथ इंक्रीज कितना हुआ था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो, तो इक्विलिब्रियम इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंशन करो। तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर और नीचे गई ग्रेविटी mg, तो mg ने किसको बैलेंस कर लिया यार, mg ने स्प्रिंग फोर्स kx को बैलेंस कर लिया। x क्या है, स्प्रिंग में इलोंगेशन, तो कितनी इलोंगेट हुई थी mg अपॉन k। मास कितना है 5, k की वैल्यू 5 और g की वैल्यू g ही रहने दो, तो x इक्वल टू g मीटर। तो 10 मीटर के आसपास स्प्रिंग लेंथ इलोंगेट हुआ था। अगर आप वापस इसको हटाओगे तो 10 मीटर अपने नेचुरल पोजीशन में चली जाएगी, दैट इज डी ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको ये बात क्लियर होगा कि SHM का इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द SHM। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस। अब फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन बाय, इसमें से कौन सा इक्वेशन बताएगा कि इसमें कौन सा इक्वेशन की पॉसिबिलिटी चांस बनता है कि हो सकता है उस पर फोर्स लगा हो। अब चलो SHM एक्स एक्सिस के लंग, यहाँ से पार्टिकल चलेगा t इक्वल टू जीरो पे, आगे जाएगा यहाँ रुकेगा वापस आएगा रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा रुकेगा फिर वापस आएगा फिर यहाँ पे जाके एक चक्कर इसका पूरा हो जाएगा और इस चक्कर को हम एक ऑसिलेशन बोलते हैं, बराबर है। और इसमें हम सबको पता है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, उस रीस्टोरिंग फोर्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस फॉर्मेट में फिजिक्स में इस फॉर्मेट में कोई फोर्स लग रहा है जिसका एक्स की पावर वन है, के कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर के निगेटिव नहीं हो सकता, के कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और x की पावर 1 है, तो इस फॉर्मेट में कोई भी फोर्स लग रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा इस फॉर्मेट के लिए इस फॉर्मेट में फिट बैठता है इन चारों ऑप्शन में। क्या ये कभी पार्ट ऐसा फोर्स लगे तो क्या कभी SHM कर सकता है, कोई पार्टिकल कभी नहीं कर सकता यार, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नहीं है। ये जो फोर्स है वो कॉस का फंक्शन है, कॉस, ठीक है, एक पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, कभी कम कभी ज्यादा कभी जी इस टाइप से लग रहा है। ये क्या कभी हो सकता है, नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है यार, एक्सपोनेंशियल फोर्स लग रहा है, ये लगेगा तो पार्टिकल कहीं उसी कहीं और चला जाएगा। ये क्या ये कभी हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता यार, ये फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव फोर्स लगेगा तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर फोर्स भी है तो वो चलता चला जाएगा। इसमें क्या देख रहे हो, फोर्स इज अपोजिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स लगेगा उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और जिधर डिस्प्लेसमेंट लगेगा उधर फोर्स की डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन में अपोजिट है, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इधर लगेगा। बात आई समझ में, ये नेगेटिव साइन बता रहा मेरे भाई, तो ये डी ऑप्शन सही है। इट इज वन ऑफ द वेरी कंसेप्चुअल एंड गुड क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से क्लियर करता था। सेकेंड, ये देखो सिंपल पेंडुलम है, अब उस सिंपल पेंडुलम को मैं माउंटेड इन ए रॉकेट, रॉकेट में मैं एक सिंपल पेंडुलम ले जाके रख दिया। अब मैं रॉकेट को अगर ऊपर लॉन्च करता हूँ मून पे मार्स पे ऐसा कुछ मैं लॉन्च करता हूँ तो टाइम पीरियड डिक्रीजेज इन रॉकेट। अब उस रॉकेट में टाइम पीरियड डिक्रीजेज वेन रॉकेट। अब इसमें से चार कंडीशन, ये पहला कंडीशन आपको मेंशन है कि रॉकेट अलग अलग तरह से मोशन कर सकता है भैया, कोई जरूरी थोड़ी है कि रॉकेट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से चल सकता है, वेरिएबल एक्सलेशन से चल, डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट। तो हमें ये पता करना है कि टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, रॉकेट किस टाइप से मोशन परफॉर्म करेगा, चारों में से एक है सही है, कौन सा सही है चेक करते हैं। चलो सबसे पहले क्या कंडीशन है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा तो फटाक से लिख लो 2πL/g, दिस इज द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड डिक्रीज कब होगा भैया, सिंपल पेंडुलम का लेंथ कभी चेंज नहीं हुआ भैया, एक बार मैंने रॉकेट में सिंपल पेंडुलम रख दिया तो वो तो वही रहेगा ना, 5 फुट का आदमी 5 फुट का एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठ गया तो रॉकेट ऊपर जाएगा तो वो 3 फुट का बौना आदमी थोड़ी हो जाएगा यार। तो सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है वो तो वही रहेगा,
बराबर है। तो रॉकेट को मोशन करने से चेंज क्या होगा भाई, चेंज होगी जी इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज होगी, और इफेक्टिव अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो टाइम पीरियड बदल जाएगा, बराबर है। चलो देखते हैं, इसको हमें डिक्रीज होना है, ये पहले ऑलरेडी मेंशन है, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, अगर अपना रॉकेट, ये मैं रॉकेट बना दिया, रॉकेट नीचे आ रहा है मार्स से, और वो मान लिया मैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन से, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, अब जी भी नीचे है ए भी नीचे है, तो इफेक्टिव जी जी डैश इज इक्वल टू जी प्लस ए हो गया। अब इफेक्टिव जी बढ़ गया तो टाइम पीरियड, इफेक्टिव जी मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो जो इफेक्टिव जी होता है यहाँ पे एक लाइटली, जो इफेक्टिव जी होता है जब रॉकेट नीचे आता है तो इफेक्टिव जी जी माइनस ए होता है, ये आपको याद होगा, आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे, तो अगर इफेक्टिव जी जो नीचे आता है वो जी माइनस ए होता है, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो पहले केस तो ये जी घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, पहला ऑप्शन गलत है। मूविंग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, अब अगर मैं इस सिंपल मतलब उस रॉकेट को से मैं मूविंग अराउंड द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, अब जी सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में, तो ये देखो इसको मैं एक, ये अर्थ है और अर्थ के बाहर यहाँ पर एक जीएसएस है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में जो इफेक्टिव ओमेगा होता है, समझना, इफेक्टिव जो ओमेगा होता है, अगर मैं अर्थ से किसी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को देखूंगा तो वो तो मुझे रेस्ट में नजर आएगा, और उसका जब रेस्ट में नजर आएगा तो ओमेगा नेट जो होता है वो जीरो होता है, तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो अगर ओमेगा रिलेटिव जीरो होता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का, हम सबको पता है, तो टाइम पीरियड अगर ये जीरो हो गया तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाती है, वो हमें रेस्ट में नजर आएगा यार। अगर मैं जीएसएस सेटेलाइट को अर्थ से देखता हूँ तो नेट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, बराबर है, तो हमें टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, तो ये तो रहा गया ऑप्शन गलत है, इसमें तो डिक्रीज नहीं हुआ। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कभी भी रॉकेट ऊपर जाता नीचे आता लेफ्ट राइट जो भी कहीं भी जाता है, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो इफेक्टिव जी जी ही रहेगा, इफेक्टिव जी चेंज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा, तो ये भी गलत है, मतलब डी ऑप्शन सही है। कैसे सही है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन अपवर्ड, अगर अपना रॉकेट ऊपर जा रहा है और इसका इफेक्टिव जी जो होता है ऊपर के केस में जी प्लस ए होता है, हम सबको पता है, तो ये बढ़ गया तो ये जी प्लस ए तो ये बढ़ गया तो टाइम पीरियड घट गया, मतलब डी ऑप्शन सही है ना। अच्छा क्वेश्चन, चलो ए लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग